तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फिलहाल दोस्तों आज हम चल रहे हैं गोला गोकर्णनाथ। दोस्तों जैसे आप लोग जानते होंगे, हमने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दिया है। पहले हमारे चैनल का नाम था एंजॉय विद लाइव व्लॉग। तो दोस्तों पहले हमारे चैनल का नाम था एंजॉय विद लाइव व्लॉग्स, और अब हमने रख लिया है अपने चैनल का नाम अतीक सिद्ध व्लॉग। तो कल हम गए थे बाइक पे, अपने नाम दिलवाया। यहाँ एक पीछे गाड़ी के साइड में एक नीचे दिलवाया अपने चैनल का नाम, और दूसरा एक लगाया है ये। तो अब हमारे चैनल का नाम है अतीक सिद्ध व्लॉग। तो पहले था हमारे चैनल का नाम एंजॉय विद लाइव व्लॉग, जो काफ़ी बड़ा नाम था, तो इसलिए हमने इसे शॉर्ट करा और अपने ही नाम पर रख लिया। अब हमारा चैनल का नाम है अतीक सिद्ध व्लॉग। तो फिलहाल आज हम दोस्तों चल रहे हैं गोला गोकर्णनाथ। तो फिलहाल अभी हम यहाँ हैं, यहीं पर रोड के साइड में, और फिर थोड़े हैं और आप सभी को ले चलते हैं। तो आप लोग हमारा वीडियो लास्ट तक बने रहें, तो चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं चारों तरफ इस टाइम सर्दियों का मौसम है, चारों तरफ सरसों की ही खेती हुई है। ये देखिए, और वैसे तो नाम काफ़ी दिन हो गए थे हमारे चैनल का नाम रखे हुए, क्योंकि काफ़ी बड़ा भी था, और इसलिए हमने सोचा कि नाम चेंज करते हैं। किसी भी इंसान को बताओ तो वो लेकिन थोड़ी समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हमने अपने चैनल का नाम चेंज करके शॉर्ट कर दिया है। वैसे गोला जाने के लिए इधर इस साइड पर जाना पड़ता था लखीमपुर से, और आप ब्रिज बनेगा तो ब्रिज के ऊपर होकर चलेंगे हम गोला। तो चलते हैं फिर वहीं गोला की तरफ। तो वैसे तो दोस्तों जब ब्रिज बनाना ही था तो इस तरफ जाना पड़ता था हमें, और आप ब्रिज बनेगा तो ब्रिज के ऊपर होकर गोला रोड चली गई सीधी, वरना फिर अंदर होते हुए बहुत दूर पड़ जाता था। वैसे नया ब्रिज बना है अभी, तो फर्स्ट टाइम चल रहे हैं लखीमपुर से गोला वाले ब्रिज पर। तो आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी जल्दी बन गया है ब्रिज। वैसे नीचे आते थे तो, यानी लखीमपुर से जब गोला जाओगे तो पहले क्रॉसिंग पड़ते थे, काफ़ी टाइम लगता था। आप ब्रिज बन गया, सीधे चले जाओ गोला डायरेक्ट गोला की तरफ। तो फिलहाल ऐसा है दोस्तों नया ब्रिज। तो ये रास्ता डायरेक्ट जाता है गोला, और ये अभी नया नया बना है ब्रिज, तो काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो गया है ये। वैसे हम नीचे होते आते थे काफ़ी टाइम लगता था। ये देखिए नीचे क्रॉसिंग। तो दोस्तों जैसे ही आप गोला यानी लखीमपुर से गोला वाले ब्रिज से चढ़ेंगे तो आपको डायरेक्ट फन मॉल है। तो दोस्तों जैसे ही ब्रिज से उतरेंगे आपको फन मॉल के पास नीचे उतरेंगे। तो ये बनकर तैयार हो रहा है लखीमपुर से गोला के रास्ते में एक टोल प्लाजा। तो अभी इस वक्त चालू नहीं हुआ है, बस थोड़े ही दिनों में चालू हो जाएगा टोल प्लाजा, कि जितने भी फोर व्हीलर हैं उनको टोल प्लाजा देना पड़ेगा। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं बस पर
गोरे के लखीमपुर गोरा के रास्ते में बीच में पड़ेगा टोल प्लाजा। दोस्तों ऐसा लगता है सामने जो गाड़ी खड़ी उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे रास्ते में ऐसे ही जब निकलो तो काफ़ी मिलते हैं रोड पे एक्सीडेंट होते हुए। ये देखिए एक्सीडेंट हुआ, काफ़ी बुरा हुआ है एक्सीडेंट। या सफ़र में निकलो काफ़ी ऐसे ही गाड़ी मिलती है। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं गोला, और आप सभी दोस्तों को हमारा ये लहबो से गोला का सफ़र अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। आज का सफ़र यहीं तक, सामने चले गए कुटार और यहीं पर हमें काम, फिर यहाँ से चलेंगे यहाँ से चले जाएंगे वापस।